अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। और सुनाएं, क्या चल रहा है सबकी लाइफ में? और मौसम का सुनाएं, मौसम कैसा है? यहाँ गुजरांवाला में तो मौसम इतना अच्छा हो जाता है ना, इतनी अच्छी हवाएं चलती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मई का महीना है और ऐसा लगता है जैसे विंटर की हवाएं होती हैं। यहाँ देखें, आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ दोपहर टाइम से। दोपहर तो नहीं, ये 4 o'clock का टाइम था। बस ब्रेकफास्ट भी कर लिया था और स्कूल से आके बच्चों ने लंच भी कर लिया था। मैंने वो वीडियो इसलिए रिकॉर्ड नहीं की है, मैंने कहा कि मेरे व्यूवर्स शायद बोर हो जाते हैं, तो आज मैं यहीं से शुरू करती हूँ अपना व्लॉग। तो ये देखें जी, भिंडियाँ पड़ी हुई थी, कल से आई हुई थी, और अगर मैं इन्हें फ्रिज में वैसे ही रख देती ना तो मेरे ख्याल में ये ख़राब हो जानी थी। तो मैंने ना इन्हें काट लिया और काट के जिप लॉक में ना मैंने इन्हें फ्रीज़ कर दिया। अब ये मैं बनाऊँगी तो आपको बताऊँगी ये कैसी बनी है, क्योंकि मैंने पहले कभी भी फ्रीज़ नहीं की है, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। और हाँ, इन्हें पहले अच्छी तरह से वॉश करके इन्हें ड्राई कर लिया था और फिर काटी थी। हमेशा भिंडियाँ ना पहले वॉश करके ड्राई कर लेते हैं और इन्हें फिर काटते हैं, काटने के बाद इन्हें वॉश नहीं किया जाता ना। तो फ्रीज़ करने का मकसद ये था, आज खाना नहीं बनाना था। आज मोहम्मद का बर्थडे था, अदल और फिरोज़ के बेटे का, माशाल्लाह हमारे घर में ना बर्थडे था, तो जिसकी वजह से फिर मुझे भिंडियाँ ना फ्रीज़ करनी पड़ी। यहाँ देखें जी, गेस्ट आना शुरू हो गए थे, भाभियाँ और भाई आ गए थे ना। तो ये देखें, मरियम और मरूज का रोमपर सेम सेम है, एक्चुअली सेम ब्रांड से लेना होता है ना, तो अक्सर ऐसा होता है हमारे बच्चों के कपड़े फिर सेम आ जाते हैं। हम लोग भी वही कपड़े लाए होते हैं और भाभी लोग भी वही लाए होते हैं, फिर हमारे बच्चों के कपड़े ना सेम सेम हो जाते हैं। यहाँ बर्थडे अरेंजमेंट्स चेक करें, ये ना चचा के घर के ऊपर वाले पोर्शन में ना सारे अरेंजमेंट्स किए हुए थे अदल और फिरोज ने, माशाल्लाह बहुत अच्छे अरेंजमेंट से, बहुत अच्छा बर्थडे हुआ है। अल्लाह मोहम्मद को ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाला करे और दुनिया की हर खुशी नसीब करे, आमीन सुम आमीन। यहाँ देखें जी, माशाल्लाह से सब गेस्ट आ गए थे और खाने का टाइम हो गया था। खाने में बारबेक्यू था, बारबेक्यू में 2-3 आइटम्स थी, राइस थे, सालन था, रायता बहुत मज़े का था, साथ में फ्रेश सैलड था और कोल्ड ड्रिंक्स थी। स्वीट में कुछ भी नहीं था क्योंकि केक बहुत मज़े का था ना। अगर स्वीट में कुछ बना लेना, हम लोग मोस्टली जब बर्थडे बच्चों के करते हैं ना तो स्वीट में कुछ नहीं बनाते हैं, क्योंकि केक ही एज अ स्वीट खाया जाता है। आई थिंक सबको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत मज़े का खाना था। तो ये देखें जी, केक आ गया था मोहम्मद बिन फिरोज़, और मोहम्मद 4 ईयर्स का हुआ है और इसने ये मिनियन वाला केक बनवाया है माशाल्लाह से। आई थिंक मिनियन करेक्टर मोहम्मद को पसंद होगा, तो इसने फिर यही करेक्टर चूज़ किया था, इस वजह से इसका ये केक बनवाया था। अब आयशा का बर्थडे है 5 मई को, तो उसने चूज़ किया हुआ है वो यूनिकॉर्न। अब हमने उसके लिए यूनिकॉर्न केक बनवाना है, देखें हमारा केक कैसा बनता है। लेकिन आयशा का हम ग्रैंड बर्थडे नहीं करेंगे, ये देखें ना मोहम्मद के बर्थडे पे तो माशाल्लाह सब फैमिलीज़ को इनवाइट किया हुआ था, बहुत ज़्यादा गैदरिंग थी, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। लेकिन आयशा के लिए हम लोगों ने प्लान किया हुआ है कि हम घर में छोटा सा गेट टुगेदर करेंगे, मतलब हमारे घर वाले होंगे बस, और केक हम लोग बनवा लेंगे, क्योंकि उसे यूनिकॉर्न का बहुत अरसे से शौक है। बहुत अरसे से कहती है मैंने नूनी कॉर्न वाला केक लेना है तो उसके लिए केक बनवा लेंगे, और साथ में उसके लिए कुछ वो दराज से ऑर्डर की हुई थी मैंने चीज़ें, ये कैप्स और डेकोरेशन के लिए वो भी आ गई हैं, तो वो डेकोरेट कर लेंगे हम लोग टीवी लॉन्च, और साथ में मैं अच्छा सा डिनर बना लूँगी और बस आयशा खुश हो जाएगी कि उसका भी बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया है। बस यहाँ केक कटिंग सेरेमनी हो गई थी और अब मोहम्मद को गिफ्ट्स दे रहे थे, पैसे मिल रहे थे भाई ढेरों ढेर पैसे मिलते हैं बर्थडे पे, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और इसके बाद बच्चों ने ना 5-10 मिनट इतना एंजॉय किया था, म्यूज़िक पे ना डांस किया था, लेकिन अगर वो मैंने म्यूज़िक इधर प्ले किया तो आई थिंक कॉपीराइट आ जाएगा। तो चलिए मैं इनका डांस आप लोगों को दिखा देती हूँ, लेकिन म्यूज़िक नहीं इधर प्ले करूँगी। Thank you.
बस जी, यहाँ आपने देख लिया, बच्चों ने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और इसके बाद यासिर ने ना सबको केक काट के उनकी प्लेट्स में सर्व किया, क्योंकि केक काट के सर्व करने का काम यासिर का होता है। यासिर बहुत अच्छे से ना सबको डिवाइड कर देते हैं। माशाल्लाह सब बच्चे बहुत शौक से केक खाते हैं, इसलिए सबको देखना पड़ता है, सबको केक सर्व करना पड़ता है। इसलिए ना फिर सब बड़ों को भी यही होता है कि यासिर ही सबको सर्व करें। तो यहाँ देखें, यासिर सबको सर्व कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह ये केक ख़त्म हो जाएगा। यहाँ जी सब फिर फ्री हो गए थे और अपने अपने घरों को चले गए और हम भी अपने घर आ गए। घर आके ज़री बात है, चाय तो ज़रूर पीनी होती है ना, मैंने चाय बना ली यासिर अपनी आयरा और इज़ू की। आयरा के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं इज़ू के भी, तो इनके लिए भी मैंने चाय बना ली और आयशा और मोहम्मद कासिम का फीडर बना दिया। यहाँ आयशा और मोहम्मद कासिम मस्तियाँ कर रहे थे। आयशा खुश हो रही थी कि अब मेरा बर्थडे अरेंज करें बाबा, उसे ऐसा लग रहा था कि अब ये सब गैदरिंग ना मेरे बर्थडे पे होगी। इंशाल्लाह हम भी गैदरिंग करेंगे, इनवाइट करेंगे आयशा के बर्थडे पे, लेकिन आयशा थोड़ी सी और बड़ी हो लेना, फिर उसे याद रहेगा कि मेरा बर्थडे ग्रैंड बर्थडे किया था। ये देखें जी, ये मैंने टिक्के दोबारा से गर्म करवाए, मैंने आइजू को कहा आइजू गर्म करो सिर्फ बारबेक्यू सॉस के साथ खाने के लिए। नॉर की बारबेक्यू सॉस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद ये द्रास से पार्सल आया हुआ था, ये हम लोगों ने आयशा के लिए मंगाया, आयशा के बर्थडे डेकोरेशंस के लिए। यूनिकॉर्न मतलब यूनिकॉर्न करेक्टर में हर चीज़ है इसमें, और इतना अच्छा पार्सल इन लोगों ने ये भेजा ना, 2500 में ये आया है। इसमें बैलून्स हैं, कैप्स हैं, ग्लास प्लेट्स और मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा लगा है मुझे ये ना। तो आयशा भी देख रही थी, इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी कि ये सब मेरी चीज़ें हैं, बल्कि वो कह रही थी कि आप वीडियो बनाओ और मैं सब व्यूवर्स को दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, आयशा सबको दिखा रही है अपनी चीज़ें और इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है माशाल्लाह। बल्कि यहाँ देखें आयशा का ये ड्रेस जो इसने पहना हुआ है ना, ये यूनिकॉर्न के साथ कितना ज़्यादा मैच हो रहा है। तो अब जब ये मैं इसे देख रही थी ना, जब ये अपनी चीज़ें दिखा रही थी, तो मैं साथ में इसका ड्रेस देख रही थी और मुझे इतना ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि आयशा के बर्थडे वाले दिन नहीं मैं ये ड्रेस उसे पहना देती। वैसे इसके बर्थडे के लिए तो एक न्यू ड्रेस लाई हुई हूँ मैं, वो भी इन्हीं कलर्स में है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था ये वाइट और पिंक ब्लू ये सारा ना इस ड्रेस में कलर्स थे आयशा के। है इंशाल्लाह वो ड्रेस भी इसे अच्छा लगेगा, वो भी शॉर्ट्स और शर्ट ही है इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में आप लोग ज़रूर देखिएगा। अच्छा तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दिया करें, और जो मेरे चैनल पे नए लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।